जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जी, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से सवाल होते हैं कि ओरिफ्लेम हमने ज्वाइन भी कर लिया, हमने नेम लिस्ट भी बना ली, हमें प्रोडक्ट की भी हमने क्लास ले ली, आपके हमने बाकी के भी सेशन ले लिए, अब हमें ये बताइए कि हम पैसे कैसे बनाएंगे। जाहिर है, पैसे कमाने का एक फॉर्मूला होता है और पूरी दुनिया में जो उस फॉर्मूले पे चलता है वो पैसे कमाता है। जो लोग गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो उस फॉर्मूले के साथ अडेप्ट ही नहीं करते, और उनके जेनेटिक्स, उनका जहन इसी बात के लिए जो उनके वर्ड्स होते हैं, जिस तरह मैंने एक वीडियो भी शेयर की कि हमसे नहीं होगा, हम कहाँ अमीर हो सकते हैं, वो उनको रियलिटी बन बन कर बताता है, बिकॉज वो कभी ये सोच ही नहीं सकते हैं। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज वर्क ऑन द प्लान एंड अंडरस्टैंड कि अगर एक ही सिस्टम है जिससे बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं, तो दे मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड। सो उस चीज को समझना कि बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन टर्म्स क्या हैं। कोई भी जब आप बिजनेस करते हैं तो उसकी एक, अगर मैं उसकी जो इन्वेस्टर्स और अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को कैलकुलेशन, एक एक चीज का उनको बिजनेस का पता होता है। अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज होगी, वो आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। सो आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको देने के लिए जो हमारे प्रेजेंटर है उनका तारक लाहौर से है। आप तमाम लोग जानते हैं बहुत मेहनत से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार भी करती हैं, पीडीएफ्स भी बनाती हैं, और उन्होंने इस पर एक अच्छी मेहनत लगाई है। आप सबको पता है, वो किसी ज्यादा मुझे बात करने की जरूरत नहीं है उनके बारे में। माहम, जिनका तारक लाहौर से है, वो आज की प्रेजेंटेशन को डिलीवर करेंगी। जी, आई वेलकम यू माहम इस प्रेजेंटेशन के लिए। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन मैं हमेशा कहती हूँ जरूर कराया कीजिए, ताकि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा पता चले और इस प्रेजेंटेशन को लेकर चलें। ये थोड़ी सी लंबी प्रेजेंटेशन है, सो बेयर विद अस एंड प्लीज पेन पेंसिल और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठे। प्लीज क्वेश्चन जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, क्रिटिकली इस प्रेजेंटेशन को लें, ताकि आपके पास बहुत से सवाल हो, हम आपको आंसर कर सके। ओवर टू यू महम। थैंक यू सो मच। मेरा एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज सबको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने मेरा सेशन ज्वाइन किया है। इस टॉपिक को लेके मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आगे आपको पास ऑन कर दूँ। जैसे कि मैं सुमेरा कामरा निकाली, थोड़ी सी लंबी होगी तो हम बहुत ज्यादा मतलब इंट्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, बीच में मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अपना इंट्रो देते भी जाऊंगी। आदिल कह रहे हैं थोड़ा सा लाउडर। ओके जी, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशंस थोड़ा सा आप पता है थोड़ी सी बोरिंग होती है, हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव और थोड़ा सा हम इसको लेके चलें, ताकि आप लोगों को ज्यादा बोलना। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लाइन। जी अच्छा, आज के इसमें हम बेसिकली तीन चीजें हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से वो तरीके हैं कि जिसके थ्रू हम ओरिफ्लेम में अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग करने के बाद की वजह ये कि अर्निंग कौन कौन से वो इनवाइटिंग तरीके हैं कि जिसके थ्रू हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और इनवाइट करने के बाद हमारा क्या रोल होता है एज अ स्पॉन्सर उनको गाइड करने का, ताकि वो आगे अपने बिजनेस में एक्सेल कर सके। यहाँ भी मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि ओरिफ्लेम जो हमें ऑफर करता है, ऑब्वियसली सबको पता है यूनिक एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी है, पर्सनल डेवलपमेंट है। मेरा जो एक्सपीरियंस इसके साथ गुजरा है कि जैसे मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ थी और शादी के बाद जॉब की परमिशन नहीं मिली, मैं एक 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करना भी चाहती थी, और अल्लाह की तरफ से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और मुझे जो सबसे इसका प्लस पॉइंट लगता है कि जैसे आप लोगों को नजर आए, फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे इस ब्रांड का, इस अपॉर्चुनिटी का जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट लगता है वो यही है कि ये मुझे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्योंकि कुछ जाहिर है घरों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने घर को इग्नोर नहीं करना, अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करना, तो फैमिली को इग्नोर नहीं करना। तो इस परस्पेक्टिव से अगर मैं ये देखूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि घर नहीं इग्नोर होना चाहिए, बच्चे नहीं इग्नोर होने चाहिए, बच्चों की पढ़ाई नहीं इग्नोर, तो मेरे लिए फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी जो ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी ने प्रोवाइड किया, मेरे लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट था। उसके अलावा घर के काम काज कर करके मैं थोड़ी सी एंग्जाइटी में चली गई थी, क्योंकि मैं घर के काम काज करके इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं कुछ और भी करना चाहती थी।
तो मेरी उस एंजाइटी को 80% जो है ऑरिफ्लेम ने कम किया. किस तरीके से? सोशलाइजिंग से. नया सोशल सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ा. मुझे बिल्कुल जैसा मेरा माइंड था, फ्रेम ऑफ माइंड था, उसी तरीके के मतलब उसी उसके मुझे लोग मिले और मेरा सोशल सर्कल. आप यकीन करें कि मैं पहले एंटी सोशल थी, मैं बाय नेचर एंटी सोशल हूँ, लेकिन ऑरिफ्लेम एक ऐसी वाहिद अपॉर्चुनिटी है कि उसने मुझे सोशल में दिया, तो मेरा सोशल सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ा. इसके अलावा इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ऑरिफ्लेम में आगे ग्रोथ होती जाएगी, इंशाल्लाह ताला इसके साथ हम इंटरनेशनली ट्रेवल भी करेंगे. तो ये वो सारी ऑफर्स हैं, इसमें से 4-5 तो मैंने खुद पर्सनली अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है. खासतौर पर खवातीन को फ्रीडम और फ्लेक्सीबिलिटी देती है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट करती है, आपको डिप्रेशन से निकालती है, आपका सोशल सर्कल बनाती है. सबसे बड़ी बात यह कि आपकी जो इनकम, आपको घर बैठे जो है इनकम अपॉर्चुनिटी तो सबसे पहले आप उससे इनडायरेक्ट तरीके से ये पूछेंगे भाई आपका गोल क्या है, आप किस चीज के बारे में पैशनेट है. दो टाइप्स के नॉर्मली लोग होते हैं. अगर जो कोई बहुत ज्यादा पैशनेट खातून नहीं होगी तो एक वो प्रोडक्ट में नॉर्मली इंटरेस्टेड होगी, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा पैशनेट खातून होगी कहेगी हाँ यार मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने घर का फर्नीचर चेंज करना चाहती हूँ, या मैं हज पे जाना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ कुछ. आपने कुछ ऐसे उससे सवाल करने डायरेक्टली कि वो आपको खुद ही बताएगी कि वो किस चीज के बारे में पैशनेट है, और यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने उसको बिजनेस ऑफर करना है या आपने उसको प्रोडक्ट ऑफर करना है. तो कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट से जब आप बात कर रहे हो तो आप उससे ये जरूर पूछो कि आपका गोल क्या है. दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. फिर आप उसको नोट डाउन कर लो, उससे भी नोट डाउन करवाओ, और वक्तन फवक्तन जो जो आप उसके साथ ट्रेनिंग्स में आप उसको लेके आते हो, आप उसको ट्रेन करते हो, मोटिवेट करते हो, डिवेलप करते हो, आपने वो गोल उसको याद भी दिलाना है कि भाई ये आपने मुझे कहा था, ये आपका गोल है, तो आप इस गोल में कहाँ तक पहुंचे. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गोल आपके डेडलाइन के साथ होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई खातून कह रही है कि यार मैंने हज पे जाना, तो जाहिर है उसकी कोई डेडलाइन होगी कि भाई इतने अरसे से इतने तक आप इतना अर्न करोगे तो आप हज पे जा सकोगे ना, अदरवाइज तो आप नहीं जा सकते. तो ऑलवेज गिव योर प्रॉस्पेक्ट और योर मेंबर अ डेडलाइन दें उसकी ड्रीम के साथ, जो भी उसका कोई ड्रीम है. अगर उसके साथ आप उसकी डेडलाइन दे देंगे तो ये उसको याद भी रहेगा और वो कोशिश करेगा कि विद इन दैट टाइम पीरियड मैं अपने उस गोल को अचीव कर लूँ. तो ड्रीम के साथ अगर हम किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को जो है डेडलाइन दे देते हैं तो उसका जो वो गोल है अचीव करना आसान हो जाता है. और साथ साथ जैसे आपका उसका एक ज़ाहिर है बिजनेस का एक सफर होगा, आप उसको याद दिलाते रहें तो वो बहुत ईजिली उसको अचीव भी कर लेगा. आगे हम देखते हैं कि भाई वो कौन से 3 तरीके हैं कि जिसके थ्रू हम ऑरिफ्लेम के अंदर अर्न कर सकते हैं. पहले है जी इमीडिएट प्रॉफिट, सेकंड है जी पीडी दैट इज अ परफॉर्मेंस डिस्काउंट और बोनसेस ऑफ कैश अवार्ड. सबसे पहले हम इमीडिएट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एक नया बंदा जो ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करता है उसको कुछ नहीं पता कि जी इमीडिएट प्रॉफिट क्या होता है, पीडी क्या होता है, बोनसेस क्या होते हैं, कैश अवार्ड क्या होता है. ठीक है, तो जब भी आप अपने न्यू मेंबर को किसी प्रॉस्पेक्ट को कैटलॉग दिखाते हैं तो उसमें एक कैटलॉग प्राइस होती है और कंसल्टेंट प्राइस होती है. मेरा स्लाइड आगे कर दीजिए प्लीज. Yes. Okay. नॉर्वेज की हमारी एक प्रोडक्ट है, इसकी कैटलॉग प्राइस है ₹4100. बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जरूर लें, क्योंकि आपने आगे टीम्स बनानी है, आपने आगे न्यू मेंबर्स को ज्वाइन करवाना है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि हम इमीडिएट प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट दिखाई क्लाइंट को, उसको पसंद आएगी, उसकी कैटलॉग प्राइस है जी ₹4100, उसकी कंसल्टेंट प्राइस है ₹3280. तो हमें जो इमीडिएट प्रॉफिट आता है दैट इज 25%, और वो किस तरीके से आता है, आपने किसी भी प्रोडक्ट की कैटलॉग प्राइस पता करनी है, उसका तरीका ये है कि आप कंसल्टेंट प्राइस को, जो कि परचेजिंग प्राइस भी कह सकते हैं, आप उसको मेंबरशिप प्राइस भी कह सकते हैं, आप उसको प्लस कर दें 25% से, तो आपके पास कैटलॉग प्राइस निकल आएगी. ये अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप खुद किस तरीके से इमीडिएट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या आपकी टीम्स किस तरीके से इमीडिएट प्रॉफिट अर्न कर सकती है, तो आप बड़े आसानी से खुद भी ये इससे फायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी टीम्स को भी आप गाइड कर सकते हैं क्योंकि ये इसका फार्मूला है. और अगर आप कंसल्टेंट प्राइस पर 25% कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल कैटलॉग प्राइस जो है वो आ सकती है. आगे हम देखते हैं कि इमीडिएट प्रॉफिट, राइट,
अगर ये तो एक प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको इतना प्रॉब्लम था, अगर हम पूरे सेट्स के ऊपर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक पूरा जो अल्टीमेट का सेट है अगर हम वो सेल करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट आता है दैट इज पर सेट हमें 4500 रुपीस का इमीडिएट प्रॉफिट होता है, और जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं सेट के दैट इज 148. और अगर यही सेट चार ऑर्डर्स हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सी हमारी फैमिली में खवातीन होती है जो 40+ होती है, ये वाला जो सेट है बेसिकली 40+ के लिए है, साइगिंग के लिए, तो बहुत से हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसमें 40+ खवातीन मौजूद होती है, लेकिन हम उन पर गौर नहीं करते कि हम उनको ये सेट रिकमेंड कर सकते हैं. चार क्या, हम तो 10 खवातीन से भी ऑर्डर बड़े आराम से, अगर हमारे पास इस सेट का नॉलेज हो तो हम ले सकते हैं. तो फॉर इंस्टेंस अगर हमने अपनी फैमिली में से किसी चार खवातीन को कॉन्टैक्ट किया, उनसे ऑर्डर ले लिया, तो आप ही सोचें कि हमें इस चार सेट्स का जो प्रॉफिट आ रहा है इसके ऊपर दैट इज 18,000 रुपीज, और इसके जो पीपीज हमें मिल रहे हैं दैट इज 592. तो ये आप सोचें कि अगर आप एक प्रोडक्ट पे आपको 800 समथिंग रुपीज जो इमीडिएट प्रॉफिट आ रहा है, तो आप सेट्स के थ्रू सोचें कि आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा. इंटरनेशनली कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो नोवेज लीडर्स कहलाते हैं और वो सिर्फ नोवेज के सेट्स पर ही काम करते हैं, तो हम अगर चाहें तो हम भी नोवेज के सेट्स के ऊपर फोकस करके नोवेज लीडर बन सकते हैं. आगे हम देखते हैं कि जी बिजनेस टर्म्स क्या होती है. ओके जी, एक होता है बिजनेस पॉइंट जिसको हम बीपी कहते हैं, एक होता है बीवी जिसको हम बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं. पहले हम बीपी यानी कि बिजनेस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं. एक बीपी अगर मैं आजकल के रिसेंट उसके हिसाब से फिगर्स एंड फैक्ट्स के से बात करूं तो एक बीपी जो है वो 93 का है. बीपी जो होता है हर डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट बीपीज होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको जो मस्कारा है उसके 10 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, सोप है जो 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, और जो नाइट क्रीम है 37, और जो सेट है वो 148 पॉइंट्स का. जैसे जो अगर आपका प्रोडक्ट रीजनेबली सस्ता होगा तो उसके पॉइंट्स कम होंगे, जैसे जैसे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता जाएगा तो उसके पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे, और स्किन केयर सेट्स के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं. तो बिजनेस पॉइंट जो है ये आपने बात जहन में रखनी है वेरी करता है विद द प्रोडक्ट प्राइस. इसलिए मैंने जो मिनिमम भी हमारा जो सोप है जिसकी आप कहेंगे कैटलॉग प्राइस 300 समथिंग होती है, तो उसके मिनिमम भी अगर आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो टाइम में 3 होते हैं, और मैक्सिमम भी जैसे अगर आप किसी स्किन केयर सेट के परचेज करते हैं तो आपको 148 पॉइंट्स मिलते हैं. ये तो होगी बीपी की बात. अब हम बात करते हैं कि बीवी क्या चीज है. बीवी स्टैंड्स फॉर बिजनेस वॉल्यूम, वो 6 आजकल के रिसेंट उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से दैट इज 63. बीवी के आप जब हम आगे जाके हम देखेंगे जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, जब हम अपना टीम का पीडी कैलकुलेट करते हैं, तो बिजनेस वॉल्यूम हमारा वहां कहां आता है. आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको इसमें तफसील से बताऊंगी. अब बिजनेस क्लास क्या होती है. ओके जी, कंपनी हमारे लिए, मुझे ये टूल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, दैट इज द बिजनेस मैच जो रिसेंटली कंपनी हमारे लिए पिछले 1-2 महीने से लेके आई है. और लास्ट मंथ अगर मैं बात करूँ तो मेरे पर्सनल जो पॉइंट्स है वो 200 हो गए थे, तो मैंने कहा तो चलो मैं, मेरी अम्मी इज अ वेरी बिग फैन ऑफ अल्टीमेट प्ले ऑफ नाइट क्रीम, मैंने कहा अम्मी ने मुझे कहा था कि मुझे अलाउड है, मेरी खत्म हो गया, मैंने कहा था अच्छा ठीक है. तो मैंने कहा तो चलो मेरा बिजनेस क्लास क्वालिफाई कर ले, तो मैं अम्मी के लिए ही उठा ली थी. तो मेरी बिजनेस क्लास स्टोरी, आई वॉज रियली अमेज लास्ट मंथ कि मैंने जब मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर रही थी और मैंने बिजनेस क्लास को जब क्लिक किया तो मैं इतनी सरप्राइज हुई कि वो नाइट क्रीम बिजनेस क्लास को क्वालिफाई करने के बाद जो मैं हमेशा 3200 या 3300 में परचेज करती थी वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1640 रुपये में मिली. आई वॉज सो अमेज कि मुझे जो आप समझ में गया उसका जो इमीडिएट प्रॉफिट ही कैरिंग जो हुआ वो 2460 रुपये का था. और मैंने अपने लिए कोलेजन सीरम, मैं सीरम की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैंने अपने लिए कोलेजन सीरम लेना था. तो अब आप देख सकते हैं कि कोलेजन सीरम की प्राइस 4000 रुपए, लेकिन बिजनेस क्लास को क्वालिफाई करने के बाद मुझे ये सीरम सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए का पड़ा, और इस पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ 2400 रुपीज. तो इट्स अ वेरी अमेजिंग टूल, आप लोग जरूर अपने इसको क्वालिफाई करें. इसको क्वालिफाई करने का तरीका ये कि अगर आप किसी भी मंथ अपने पर्सनल बीपी जो है 200 करते हैं तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए बिजनेस क्लास के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं. एक और जो कंपनी ने हमें बहुत जबरदस्त फैसिलिटी दी है वो ये दी है कि अगर आप कोई क्लाइंट है, आपने उसको कैटलॉग प्राइस दिखाई है, ठीक है, आप उसको रसीद नहीं दिखाना चाहते कि भी आपने उसको 20% ऑफ पे रखा है, तो कंपनी ने हमें एक बहुत जबरदस्त इंसेंटिव ये दिया है कि आप कोरियर की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डिलीवरी की, ठीक है, और वहां पे INR लिखेंगे एड्रेस से पहले,
INR आप लिखेंगे तो आपकी जो रिसीव है वो जनरेट नहीं होगी, और आपका जो सेट है या प्रोडक्ट है जिसपे भी आपने इमीडिएट प्रॉफिट लेना है अपने कस्टमर से, वो उसके पास एज इट इज चला जाएगा बगैर किसी रिसीव के। ठीक है, तो आप ये देखें कि कंपनी ने आपको कितना बड़ा इंसेंटिव दिया है। और आप ये भी कर सकते हैं कि बिजनेस क्लास से आप सोचें कि आप किस कदर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 200 बीपी जून के महीने में किया, आप अगले महीने के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो अपने कस्टमर से आप कैटलॉग प्राइस ले सकते हैं। और अगर आप 70% ऑफ पे उठा रहे हैं तो आप सोचें कि आपको जो है कितना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। INR का आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट एब्रीविएशन, मैं बाय द एंड ऑफ द सेशन मैम मेरा से पूछ लूंगी, लेकिन INR मींस कि आपको जो है रिसीव नहीं आएगी। ठीक है, आपके कस्टमर के पास रिसीव नहीं जाएगी। मुझे एग्जैक्ट जो है वो उसका एब्रीविएशन भी नहीं पता। ओके जी, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कि हम अपनी टीम की सेल्स पे किस तरीके से PD को कैलकुलेट कर सकते हैं। Kindly, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आपको ये बेसिकली कैलकुलेशन की स्लाइड है। और आप एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा डायरेक्ट कमीशन खत्म हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी मंथ में 100 पॉइंट्स लिए, 200 पॉइंट्स, पर्सनल पॉइंट्स लिए, 300 किए, 400 किए, आपको इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ आपकी टीम सेल्स के ऊपर जो है वो PD आएगा। तो ये टीम आप बात आपने खुद भी समझनी है और अपनी टीम्स को भी आपने समझानी। अब हम PD कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जून के महीने में, मैं न्यू ज्वाइनर थी मई में, या मैंने जून में ही ज्वाइन किया और मैं 9% पे जून में पहुंच गई। मैंने 4 मेंबर्स बनाए, ए ने 200 किए, बी ने 150, सी ने 400 और डी ने 600। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है BP, जैसे कि मैंने ऊपर वाली स्लाइड में बताया, इसको हम बिजनेस पॉइंट कहते हैं। BP into Yes, thank you, Afshin. Okay, जी, BP into 63 क्या था? Business volume. ठीक है? BP into 63 is equal to BV multiplied by percentage difference. अब percentage difference से आपने confused नहीं होना। Percentage difference ये होता है कि for example मैंने A का जो है PD calculate करना है। ठीक है, उसका जो BP था that was 200 multiplied by 63 is equal to 1260, ये मेरा BV आ गया। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 6%। अब ये परसेंटेज डिफरेंस 6% मैंने कैसे निकाली, 9% माइनस 3, क्योंकि एक इस परसेंटेज पे था 3% पे, उसने 200 पॉइंट करके 3% पे वो आ गया, तो 9 - 3 6% का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इस लिहाज से जो मुझे A से जितना भी PD आ रहा है दैट इज 756। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। इसी तरह अगर हम बी को देखें, बी के जो पॉइंट से वो थे 150। ठीक है, 150 के ऊपर हम 0% के ऊपर होते हैं, तो 9% माइनस 0 दैट मीन्स इसका 9% था, राइट? तो 150 into 63 जो के था BV, दैट इज द बिजनेस वॉल्यूम, वो हमारा बना 9450 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डिफरेंस जो बना बी का और मेरा, यानी कि जो 9% पे उसका मिला के। तो हमारे पास बी ने हमें कितना PD दिया, 850। सिमिलर इसी तरीके से हम सी का भी कैलकुलेट करेंगे और डी का भी कैलकुलेट करेंगे, और इन तमाम लोगों का PD कैलकुलेट करके जो हमारे पास आया दैट इज 4,252 रुपीज। इसमें मैंने अपना इमीडिएट प्रॉफिट भी ऐड कर दिया मिनिमम, दैट इज 2,000। तो मेरे पास जो है इनकम आई है 9% के ऊपर, दैट इज 6,252 रुपीज, राइट? इस स्लाइड से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट रूम में शेयर करें, बाय द एंड ऑफ द सेशन हम इसका जरूर आंसर। थोड़ी सी टेक्निकल है ये, पहली दफा हमें समझ नहीं आती है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, और चैट बॉक्स में अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो हम डेफिनेटली हम बाय द एंड ऑफ द सेशन हम इसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे, मगर अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है स्पेशली इन स्लाइड्स जो वो डिफरेंस कह रही हैं, जो भी कुछ वो बातें कर रही हैं, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो भी बताएं, थोड़ी सी आ रही है थोड़ी सी नहीं आ रही यहीं पर ही बताएं, क्योंकि अगली स्लाइड्स थोड़ी डिफरेंट है। सो सबसे पहले अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम आगे नहीं समझ नहीं पाएंगे आप लोग। तो किसको समझ नहीं आ रही पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी 50 दफा समझने के बाद ही आई थी।
इसको समझने का बेहतरीन तरीका जो मुझे याद पड़ता है यही था, जब साथ खुद करेंगे पेंसिल पेपर लेकर तो ही बिल्कुल होगा, ऐसा ही, बिल्कुल सुनने ऐसा से और स्क्रीनशॉट लेने से समझ नहीं आती, इसको खुद साथ ही। साथ सॉल्व करने से बिल्कुल आती है। एक्चुअली इस स्लाइड के अंदर ना एक चीज और होनी चाहिए थी जो मेरे ख्याल में, जिसमें परसेंटेज का एक ग्रिड होना चाहिए था और डिफरेंस की एक, ताकि ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और हो सकती, क्योंकि जो हम लोग पुराने हैं हमें तो पता है वैसे किस तरह निकालते हैं। परसेंटेज ग्रेड मेरा आगे है, परसेंटेज ग्रेड आगे अच्छा, यहाँ तक किसी का आगे। इन 26 लोगों में से कोई एक क्वेश्चन या एनीथिंग? यार मैं तो फिर बहुत ही नालायक थी, मुझे तो बड़ा टाइम से समझ आई मुझे थी। माशाल्लाह भी बड़ी देर से समझ आई, कोई बात नहीं, फ्रेंड्स अगर होगा तो हम। पर एक केस बताएंगे प्लीज। जी, मैम पूछिए। यहाँ पर हमें बताया गया कि 63 जो है वो हमारा बीवी है। बीवी मतलब वो है कि जो बीपी हमारा फॉर एग्जांपल बीपी है जो हम लोग पे कर रहे होते हैं, उसमें से बीवी हम माइनस करेंगे तो जो बाकी बचता है वो हमारा टैक्स में जा रहा है, ऐसे ही है आपका हम टैक्स जो, पे कर रहे हैं। हाँ, बीपी होता है ना, उसके अंदर आपके तमाम किस्म के टैक्सेस, आपका तमाम किस्म का जो जीएसटी वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है? जीएसटी सारे इन्वॉल्व होगा, होता है, इम्पोर्ट जो के कैटलॉग ड्यूटी। में बीपी मेंशन्ड होते हैं, लेकिन उस बीपी 1 बीपी में से हम ये बीवी की रेशियो माइनस कर देंगे तो जो बाकी की फिगर है वो बेसिकली हमारा वो जीएसटी वगैरह सब चीजें हैं, टैक्स वगैरह। हाँ, वो निकाल देने के बाद जो बचता है वो बीवी होता है। बीवी पर भी ठीक आपको टैक्स लगता है, जब आपको कमीशन मिलता है तो उस पर भी आप टैक्स पे करते हैं, बिल्कुल, गवर्नमेंट उसके ऑफ ऊपर भी टैक्स पाकिस्तान। लग रहा होता है और उसके लिए हम लोग एनटीएन बनवाते हैं अपना। एग्जैक्टली, क्योंकि वो 12% होता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा होता अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो डिफरेंस है परसेंटेज का, ये यहाँ पर इस तरीके से हम लोग करेंगे कि हम खुद किस परसेंटेज पर हैं। है। यस, सपोज यहाँ पर शो बिल्कुल करवाया गया बिल्कुल। कि 9% पर हैं और हमारी डाउनलैंड में अगर एक बंदी 3% पर है तो हम लोग 9 में से 3 को माइनस करेंगे बिल्कुल तो ऐसे, 6% डिफरेंस आ रहा है बिल्कुल ऐसे, और उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जैसे हाँ, ए ठीक उस हो पे गए, 3 पर है, बी जो है 0 पे है, सी जो है वो भी बिल्कुल 3 पे है, डी जो है वो 6 पर है, तो 9 माइनस 6 3% का डिफरेंस आ गया। आप ठीक है, इस ठीक तरीके है। से प्रोसीजर है। परसेंटेज जो भी अपलाइन है या जो भी ऊपर वाला है, अगर उसके नीचे टीम है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर आपकी टीम ही नहीं है तो फिर आप यहाँ नहीं पहुंचे। जिन लोगों का नेटवर्क है सिर्फ उनके लिए कैलकुलेशन है, जिनका नहीं है उनका हम जेहन बना रहे हैं कि वो नेटवर्क बनाए, उससे बहुत से पैसे कमा सकते हैं। लोग कहते हैं जी मेंबर बनाए तो पैसे आते हैं। जी, मेंबर बनाए और उनसे ऑर्डर प्लेस करवाए और उनसे डुप्लीकेट करवाए तो आपको बहुत से पैसे आते हैं। सो आपने जेहन में एक दो चीजें जरूर रखनी है। आप माशाल्लाह समझदार हैं सबके सब लोग। एक मैंने उस दिन भी आपको बार बार बता रही हूँ कि जो आपकी सेल फ्लायर है उसको हमने कोशिश करनी है, उसकी बजाय हम कैटलॉग पे काम करें, क्योंकि सेल फ्लायर के बीपीज आधे से भी, उसके बीपीज आपको पूरे मिल रहे हैं। सेल फ्लायर का ये नहीं है कि बीपीज नहीं मिलते हैं, मगर उसका पैसे आपको कम आते हैं, ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि सेल फ्लायर का बीवी बहुत थोड़ा है। आपको 100 बीपी एक शख्स जो सेल के आइटम से करता है और एक शख्स जो कैटलॉग से करता है, तो दोनों के बीवीज में इतना बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए सेल फ्लायर का पूरी लिस्ट ही अलग आती है उसके बीवीज की। सो प्लीज कोशिश करें, खुद भी कैटलॉग पे स्टिक करें, लोगों को भी कैटलॉग पे लेकर आए। सेल फ्लायर सिर्फ मुझे लगता है उन लोगों के लिए जो बहुत स्लीपिंग में चले जाते हैं और उनको आपने कभी कभी उठाना होता है, वो कभी कभी ऑर्डर करते हैं किसी ऐसी चीज के लिए। वैसे नॉर्मली कोशिश करें कि आप कैटलॉग को ही प्रमोट करें। और उसके साथ ये भी जहन में मैं एक दफा जरूर बताऊं, मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेलकम ऑफर के जो बीपी होते हैं, जो आपके सेल सेल्स एक्शन के बीपी होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइटल अचीव करवा सकते हैं। वो आपको जो है कोई भी बिजनेस क्लास के काम आ सकते हैं, वो आपको कमीशन में ऐड नहीं होते। और ये तकरीबन सेल फ्लायर के लिए भी सेम चीज ही है।
तो इसको, इन बातों को आपने अब जहन में रखना है, क्योंकि बहुत से लोगों का कंसर्न था कि कमीशन कहाँ, थोड़ा सा फर्क हमें लगता है। तो ये तमाम रीजंस हैं, क्योंकि अब एंटरप्रेन्योर बोनस आ चुका हुआ है, अब आपका डिफरेंट और बोनसेस आ चुके हैं, कंपनी ने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन तमाम चीजों को। मैम फ्लायर के बीपीस का बिल्कुल भी बोनस नहीं आता, कमीशन नहीं आता है, बीपी पूरे आते हैं। आपने अगर वर्ड्स जो होते हैं ना एलसी के अंदर, उनको गौर से सुना करें। सभा ने पिछले दिनों कहा था अब आपको मिलेगा सेल फ्लायर पे फुल बीपी, बीपी पूरे मिल रहे हैं आपको, मगर उनका जो सीपीएल साथ आता है उस सीपीएल पे उसका बीवी बहुत रिड्यूस्ड है। आपको पैसे बीवी पे मिलते हैं। देखिए आपने प्रोडक्ट लिया, आपको 20% ऑफ मिला, आपको उसके बीपी मिले, बीपी कन्वर्ट होते हैं बीवीज में, क्योंकि जाहिर है सेल्स टैक्स सब कुछ कट के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है। उन टोटल बीवीज का पर आपको कमीशन मिलता है, और उस कमीशन पर आपका जीएसटी सॉरी आपका वो टैक्स कटता है जो सैलरी पे कटता है हर एक का पर, ठीक है। सो आपने ये देखना है जिस चीज के बीवी कम है आप उसको इतना प्रमोट करके क्या कमा रहे हैं। तो जिसके बीवी ज्यादा है वो कैटलॉग है, तो कैटलॉग को प्रमोट करें। आपके आधे से भी आधे हैं, आप खुद रख के देख लीजिए अपनी सीपीएल पे। और ये नॉर्मली आपको बताया नहीं जाएगा। मैं चूंकि मेरी कोशिश ये होती है कि हर शख्स को सिस्टम पता होना चाहिए। आप लोग इतने माशाल्लाह, आप लोगों को अब हर बात पता होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट करना पसंद ही नहीं करती, आपको सारे सीक्रेट्स पता होने चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई सवाल नहीं किसी का है तो पूछ लीजिए, आप लोगों को ही कंफ्यूजन होगा आगे। चले आगे चलते हैं हम। जी जी मैम आगे चलिए। जी मैम मेरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बस नेक्स्ट स्लाइड से पहले मैं भी ये कहना चाहूँ, अगर आपने किसी इनएक्टिव को एक्टिव करना ना तो आप सेल्स फायर्स का सहारा लें, अदरवाइज सेल्स फायर्स की बीपी आपको कमीशन बहुत बड़ा नाम दे देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने इमीडिएट प्रॉफिट की बात कर ली, हमने टीम सेल्स के ऊपर पीडी की बात की, अब हम देखते हैं कि इमीडिएट प्रॉफिट और पीडी के अलावा कौन सी एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है जो जिससे हमारी इनकम जो है वो बढ़ सकती है। कंपनी हमारे लिए 2021 में बहुत जबरदस्त एक ऑफर लाई है डबल द स्पीड के नाम से, जिसमें हमारे पास स्पीड बोनस है और एंटरप्रेन्योर बोनस है। स्पीड बोनस का ये फॉर एग्जांपल अगर आप अपने मतलब न्यू ज्वाइनर्स जैसे अपनी टीम में जैसे जैसे लोग बढ़ाते जाएंगे और वो सर्टेन परसेंटेजेस जो है जैसे फर्स्ट मंथ ऑफ ज्वाइनिंग आपका मेंबर जो है 3% पे आता है, तो उस मेंबर को भी स्पीड बोनस ₹600 मिलेगा और आपको मिलेगा उसको ज्वाइन कराने के बदले में कंपनी आपको एंटरप्रेन्योर बोनस दे रही है ₹1,000, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो आपके सेकेंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग में 6% अचीव करता है तो उसको स्पीड बोनस ₹2,000 मिलेंगे, अगर वो थर्ड मंथ में 9% अचीव करता है तो उसको ₹4,000 स्पीड बोनस मिलेगा, और अगर वो चौथे महीने में मैनेजर लेवल पे आ जाता है तो उसको 6,000, और टोटल उसके फर्स्ट 4 मंथ की इनकम जो बढ़ी है ज्वाइनिंग के बाद पहले 4 महीने की उसकी 12,500 एक्स्ट्रा इनकम हो रही है पीडी और इमीडिएट प्रॉफिट अलावा। और आप जो कि ज्वाइन करवा रहे हैं उसको पर मेंबर जो कि स्पीड बोनस को क्वालिफाई कर रहा है पर मेंबर आप सोचें आपको ₹1,000 कंपनी एंटरप्रेन्योर बोनस दे रही है, यानी कि अगर आप एक महीने में जून के महीने में 5 मेंबर्स बनाते हैं और उनको 5ों को स्पीड बोनस के लिए क्वालिफाई कराते हैं तो आपको अगले महीने एंटरप्रेन्योर बोनस ₹5,000 मिलेगा। तो ये सोचें कि आपकी कितनी एक्स्ट्रा इनकम इन बोनसेस के थ्रू आपको मिल रही है पीडी और इमीडिएट प्रॉफिट के अलावा। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये जो कंपनी डबल द स्पीड की स्ट्रेटेजी लेके आई है और ये कितने ज्यादा लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दो एग्जांपल्स आपके सामने, एक खातून का नाम है अथिया बिलाल और दूसरी का नाम है रहीला अनस। तो इन दोनों ने इसी डबल द स्पीड के फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्टर लेवल अचीव किया और इन्होंने अपनी किस तरीके से इन्होंने अपनी एक्स्ट्रा इनकम और इसके अलावा इनको पीडी भी ऑब्वियसली मिला होगा और इमीडिएट प्रॉफिट भी इन्होंने अर्न किया होगा। आगे जाके हम देखते हैं कि इसी डबल द स्पीड का ही जो सिलसिला है उसका एक और कंपनी हमें एक एजेंट आई, इसको हम कहते हैं मैनेजर्स ग्रोथ। मैनेजर्स ग्रोथ में भी यही है, इसका जो क्राइटेरिया है दैट इज फ्रॉम फेब्रवरी टू सेप्टेम्बर। कंपनी ये कह रही है कि फेब्रवरी से लेके सेप्टेम्बर तक कोई भी नया बंदा अगर 15%
अचीव करता है और 5 महीनों में 3 महीने उसको मेंटेन करता है तो कंपनी उसको 10,000 रुपए दे रही है, और अगर कोई 18% अचीव करता है और 5 महीनों में से 3 महीने उसको मेंटेन करता है तो कंपनी उसको 15,000 दे रही है। इसी तरीके से अगर कोई SM लेवल अचीव करता है और 3 महीने में उसको मेंटेन करता है तो कंपनी उसको 25,000 रुपए दे रही है। तो आप ये सोचेंगे कितनी एक्स्ट्रा इनकम कंपनी आपको दे रही है PT और इमीडिएट प्रॉफिट के अलावा, और आप इस साल कितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप SM अचीव करते हैं और उसको 3 मंथ्स तक मेंटेन रखते हैं, ये सितंबर तक क्राइटेरिया है, ये बात आपने अपने खुद भी ध्यान में रखनी है, अपनी टीम्स को भी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ज़ाहिर है अब इतना टाइम नहीं रहा, हमारे पास 3 से 4 महीने रह गए, तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो आपकी टीम में जो ग्रोथ होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई SM अचीव करता है, उसको 3 मंथ्स मेंटेन करता है तो उसको जो है डायरेक्टर टाइटल भी उसको मिल जाता है, प्लस हाफ ऑफ द कैश अवार्ड भी उसको मिल रहा है। और आज तक पहले कभी ऐसा नहीं होता, डायरेक्टर टाइटल हमें उसी वक्त मिलता था कि जब हम SM अचीव करते थे, नेक्स्ट 6 मंथ्स उसको मेंटेन रखते थे तो हमें डायरेक्टर टाइटल और कैश अवार्ड मिलता था। लेकिन कंपनी ने आप देखिए हमें कितना बड़ा एक फैसिलिटी दी है हम नए आने वालों के लिए, हमारे लिए, कि अगर आप 3 मंथ्स ही उसको SM को मेंटेन करते हैं तो आपको डायरेक्टर टाइटल भी मिल रहा है जो कि कभी पहले ऐसा नहीं हो, और आपको हाफ ऑफ द कैश अवार्ड भी मिल रहा है जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आप जरूर इसके ऊपर वर्कआउट करें, अपनी टीम्स को कहें अभी भी हमारे पास टाइम है, सितंबर को बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं है, हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको जरूर इसके बारे में बताएं। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी, यहाँ पे हम न्यू ज्वाइनर्स के लिए कुछ परसेंटेजेस डिफाइन करना चाहेंगे कि जैसा कि हमने आपको बताया कि हर प्रोडक्ट के BPs होते हैं और यही BPs जो है हमारी परसेंटेज लेवल्स को जो है डिफाइन करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक न्यू ज्वाइनर है और उसने फर्स्ट मंथ में जो है 200 पॉइंट्स किए हैं तो वो 3% पे आता है। कोई भी नया बंदा या पुराना जो 200 पॉइंट करके 599 200 पॉइंट से लेके 599 पॉइंट करता है तो वो 3% पे होता है, ठीक है। और 600 पॉइंट से लेके 1199 पॉइंट तक आप 6% पर होते हैं, 1200 पॉइंट से लेके 2399 पॉइंट पर आप 9% पर होते हैं, 2400 पॉइंट से लेके 3999 पॉइंट पे आप 12% पे होते हैं, 12% पे आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। इसकी इसी तरीके से 4000 पॉइंट से लेके 6599 पे आप 15% पे होते हैं, और 6600 पॉइंट से लेके 9999 पॉइंट पे आप 18% पे होते हैं। और जब आपके टीम पॉइंट विदिन 1 मंथ 10,000 या इससे भी ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं तो आप 21% पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स थे परफॉर्मेंस डिस्काउंट के न्यू ज्वाइनर्स के लिए, स्पेशली जाहिर है जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, लेकिन न्यू ज्वाइनर्स इसको जितना ज्यादा आप गो थ्रू करेंगे तो उतना ज्यादा आपको आगे बिजनेस कैलकुलेशन हर बिजनेस टेक्निक में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। तो आपको ये जबानी याद होना चाहिए कि जी इतने बिजनेस पे मैं इतने लेवल पर पहुंच जाऊंगा। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि अब हमारे लिए इमीडिएट प्रॉफिट वाली ऑप्शन ज्यादा बेहतर है या फिर हमारे पास जो हमने टीम बिल्डिंग की बात की थी वो ज्यादा बेहतर है। अगर मैं इंटरनेशनल लीडर्स की बात करती हूँ जिसमें बहुत सारे लीडर्स आते हैं, जिसमें एक इंडिया की मेरी जो फेवरेट है दैट इज द कामनी जा, उनकी अगर मैं बात करूँ तो तमाम इंटरनेशनल लीडर्स जो सीनियर प्रेसिडेंट डायरेक्टर या डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे पहुंचे हुए हैं तो वो टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, वो इमीडिएट प्रॉफिट पे काम नहीं करते, ठीक है। देखिए इमीडिएट प्रॉफिट जो होती है कि आपको एक बहुत ही मतलब एक मोनोटोनस लेवल पे ले जाती है जिसपे आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, और यही है कि हमें लीडर्स को देखना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के माशाल्लाह टॉप 15 लीडर्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, उन लोगों ने कौन सा तरीका अडॉप्ट किया था, दैट वॉज द टीम बिल्डिंग। अक्सर लोग हमें ये कह रहे होते हैं जी कि मेंबर बनाने से क्या फायदा होता है, हमें पॉइंट तो मिलते नहीं है। भाई मेंबर बनाने से आपको पॉइंट नहीं मिल रहे, लेकिन उसी मेंबर को अगर आप एक्टिवेट कर देंगे, उससे ऑर्डर करवाएंगे, उससे आगे मेंबर बनवा के उनसे ऑर्डर कराएंगे तो ऑब्वियसली आपके पॉइंट ज्यादा होंगे। तो ये मत सोचते कि जी खाली मेंबर बनाने से हमें तो कोई पॉइंट ही नहीं मिलेंगे, पॉइंट ही मिलेंगे तो हमें तो कोई कमीशन ही नहीं आएगा। ये मत सोचें, ब्रॉडर पिक्चर को सोचें, बड़ी पिक्चर देखें और
लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स को देखें कि वो बड़े बड़े लीडर्स जो है, जो सीनियर डायरेक्टर लेवल या डायमंड डायरेक्टर या सफाई डायरेक्टर या गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे, वो इमीडिएट प्रॉफिट के थ्रू ही इस लेवल पर पहुंचे, वो टीम बिल्डिंग के थ्रू जो है अपने हाईएस्ट टाइटल्स को अचीव करते हैं। अगर आपने इमीडिएट प्रॉफिट पे करना है जरूर करें, लेकिन 80-20 के रूल के मुताबिक करें। आप 20% इमीडिएट प्रॉफिट पे करें, 80% आपका जो फोकस है वो टीम बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल्स हैं इंटरनेशनल लीडर्स की, पाकिस्तान के लीडर्स की, कि हमारा जो वो ग्रोथ जो आगे जाके ज्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ है, वो हमारी टीम बिल्डिंग से ही हो सकती है। अच्छा जी, हमने बात की, क्योंकि हमारा मैनेजर सेमिनार का क्राइटेरिया स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। कोशिश करें अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा मैनेजर्स डेवलप करें। अब वो हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, हमने बात की थी कि 2400 पॉइंट से लेकर 3999 तक हम मैनेजर लेवल पर आते हैं। हम मैनेजर लेवल पर आने के क्या तरीके, पहला आसान तरीका ये कि आपने जो है आप अपनी टीम के अंदर 5 लोग लेके आए, वो आगे से अपने 5 लोग लेके आए, ठीक है। हर एक ने अपने 100-100 पॉइंट किए, आपने अपने 100 पॉइंट पूरे किए, आपके 3100 पॉइंट हो गए, आप मैनेजर लेवल पर आते, ठीक है। आपका जो पीडी आया, आपकी गुड सेल्स से वो आया 9720 रुपए, इमीडिएट प्रॉफिट और उसको मिला के आपकी टोटल इनकम एज अ मैनेजर जो है वो 11720 रुपए हो जाती है। अब अगर कोई कह रहा है मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि ज्वाइनिंग के पहले ही महीने में दूसरे महीने में मैनेजर लेवल पे आ जाऊँ तो मैं क्या करूँ, तो मैनेजर बनने के और भी बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यू ज्वाइनर्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर है आपने अगर आप न्यू ज्वाइनर नहीं दिए तो आपकी टीम में तो न्यू ज्वाइनर्स आएंगे ना, आपको उनको भी तो गाइड करना है। तो उसका आसान तरीका यही है, फॉर एग्जाम्पल आपने खुद ज्वाइन किया फर्स्ट मंथ में, आप पहले महीने 3% पर आए, आप पहले महीने कोशिश करें कि आप 6% के ऊपर आए। वो किस तरीके से, आपने 4 लोगों को ऐड किया अपनी टीम में, 4 लोगों को आपने ऐड किया, उनको 3% का टारगेट दिया, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली 6 पर आ गए। अगले महीने आप उन्हीं लोगों को जो 3% पे आए थे आप उनको 6 का टारगेट देंगे। आप अगले महीने यानी कि आपके मंथ के सेकेंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग में आप ऑटोमेटिकली 2400 पॉइंट देने के 12% पर आ सकते हैं। आपने अपनी टीम में 4-6% डिवेलप करने हैं, ये बस ये बात आ जाए मेरे। फिर अपनी टीम्स को भी यही कि अगर आप मैनेजर लेवल पर आना चाहते हैं तो अपनी डाउनलाइन में 4 लोगों को 6% के ऊपर ले, ऑटोमेटिकली आप जो है वो मैनेजर लेवल पर आ सकते हैं, क्योंकि मैनेजर सेमिनार का क्राइटेरिया भी है। तो जितने ज्यादा आप मैनेजर्स डेवलप करेंगे अपनी टीम में, इसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं और आपकी टीम में ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होती है जैसे जैसे आपकी टीम में मैनेजर्स जो है वो डेवलप होंगे। मुझे यहाँ पे मेरे जनवरी में सिर्फ एक मैनेजर मेरा ऐड हुआ था और मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई। मतलब इतना आपको जंप अप करता है, एक मैनेजर की बात करी मैं भी। अब आप सोचें कि 2 से 3 या 4 मैनेजर होती तो हम हाईएस्ट यानी कि 21% पे पहुंच सकते हैं अगर हमारे नीचे 4 मैनेजर डेवलप हो जाए। तो मैनेजर्स को डेवलप करना खुद भी सीखें और अपनी टीम्स को भी सिखाएं, ये आपको आगे लेवल्स अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। इसी तरीके से हम जैसे अपनी टीम में लोग बढ़ाते चले जाते हैं, हम हाई लेवल्स अचीव करते हैं, जैसे कि मैंने यही आपसे कहा था कि यही अगर आपकी टीम बढ़ती जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आपके वही जो 25 लोग आपने ऐड किए थे, अगर वही जो है मजीद 5-5 लोग लेके आते हैं और आपकी टीम में फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हो जाते हैं, 100 लोग हो जाते हैं, वो अपने 100-100 पॉइंट पूरे करते हैं, तो आपके 10,000 पॉइंट वही हो जाते हैं। 10,000 पॉइंट भी आपके 20% पे होते हैं जैसे कि हमने भी पिछली स्लाइड को देखा था, ठीक है। तो यही वो तरीका है कि जैसे जैसे आप लोग लाते जाएंगे और मैनेजर्स डेवलप करें अपनी टीम में, आप जितना ज्यादा मैनेजर्स डेवलप करने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा मैनेजर्स आएंगे आपकी टीम में ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी। जैसे अगर आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, 4 मैनेजर्स आप डेवलप कर लें, ऑटोमेटिकली आप जो है 21% पर आ जाएंगे और 21% को आप 3 मंथ्स मेंटेन करेंगे, आपको डायरेक्टर टाइटल जो है वो मिल जाएगा। तो फोकस ऑन हाउ टू डिवेलप द मैनेजर्स। जब आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर लें तो आपकी यहाँ से जो इनकम है वो मिनिमम भी अगर बात करें तो 60,000-70,000 आपकी इनकम जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जो कि नॉर्मली किसी भी एक हाउसवाइफ की, जैसा कि मैं अपनी बात हूँ, किसी भी एक हाउसवाइफ की बात हूँ, उसको ये होता है कि यार हाँ यार घर पे बैठ के अगर मैं इजिली 60,000-70,000 रुपये कमा सकती हूँ, तो आप ये सोचें कि मैं अपनी फैमिली को कितना सपोर्ट कर सकती हूँ, मेरे अपने कितने 100 खर्चे जो है वो निकल सकते हैं अगर मैं 60,000-70,000 जो है पर मंथ अर्न करना शुरू कर दो। तो डायरेक्टर लेवल वो लेवल है जहां से आप 60,000-70,000 जो है अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं।
आगे जाके हम ये देखते हैं कि जब हमारी डाउनलाइन में डायरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं तो हमें बोनसेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर जब आपकी डाउनलाइन में डायरेक्टर्स और स्प्लिट्स निकलना शुरू हो जाते हैं तो वहां से जो है हम बोनसेस जो है वो अर्न करना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट हायर लेवल पे डिफरेंट बोनसेस हैं, कुछ गोल्ड डायरेक्टर के बोनस हैं, कुछ सैफायर बोनसेस हैं, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट बोनसेस हैं। तो ये तो हम उस वक्त बात करेंगे जब हम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे, इसमें अगर डिटेल्स में भी तो जाहिर है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा आगे चल के हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं मेरी जो एक फेवरेट है इंटरनेशनल लीडर जिसकी मैंने पहले भी बात की थी कामिनी जा की, मैं थोड़ी सी यहाँ पे मैं उनको काफ़ी सुनती हूँ स्टोरीज मैं उनको शेयर करना चाहूँगी। तो उन्होंने किसी ने उनसे पूछा कि आपको इस लेवल पे आके क्या लग रहा है और आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात की थी। तो उनके हस्बैंड ने ये जवाब दिया था कि जब मुझे कभी कैश अवार्ड पे या मुझे कभी पीडी की इनकम पे इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन मुझे अगर सबसे ज्यादा खुशी हुई तो वो लोगों को डेवलप करने में, लीडर्स प्रोड्यूस करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। मुझे पैसे में जाहिर है ऑब्वियसली पैसा हर एक की जरूरत है, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन पैसा नहीं थी, कहते थे कि मुझे लीडर्स प्रोड्यूस करने में बहुत मजा। अगर सोचा अगर आप हमारी भी अगर ये हैबिट बन जाए कि हमें लीडर्स से मतलब हमारा पैशन बन जाए कि हम लीडर्स प्रोड्यूस करें, तो सोचें कि हम भी उतने ज़्यादा टाइटल्स जो है वो अचीव कर सकते। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी। कामनी जो है इस सीनियर प्रेसिडेंट डायरेक्टर इंडिया में, और अब उनका ये एम है कि वो फर्दर जो तीन उनके टाइटल्स रहेंगे वो भी अचीव करना चाहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरीज हैं, हमें जरूर सुननी चाहिए और किसी को अपनी इंस्पिरेशन जरूर बनाना चाहिए। आगे माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान के हैं लीडर्स जब जानते हैं इनमें मैम हुमैरा कामरान को बहुत ही जानता, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हार्डवर्किंग लीडर है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लीडर्स तो बहुत से हैं लेकिन बहुत कम ऐसे लीडर्स होते हैं जो आपको सपोर्ट करते, तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें मैम हुमैरा कामरान जैसे लीडर मिले जो हमें हर प्लेटफॉर्म पे हमें प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने ट्रेनिंग्स डिलीवर करने के लिए। नॉर्मली मेरा नहीं ख्याल किसी भी लीडर ने हमें ऐसे कोई प्लेटफॉर्म दिया होगा, तो वी आर वेरी लकी टू हैव मैम हुमैरा कामरान। इसी तरह अंबर फारूकी हैं और ये भी बहुत अच्छी लीडर, मुझे इनकी भी ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा अंबर फारूकी मैम हुमैरा कामरान की एक बात कॉमन है जो मुझे अच्छी लगती है, मैं जरूर उनसे शेयर करना चाहूँगी कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को ये बिजनेस आगे पास ऑन के लिए। अंबर फारूकी की भी बेटियां हैं, मैं कैम की भी बेटी, तो आप ये सोचें ना कि ये कितना अच्छा बिजनेस है कि ये लीडर्स इतनी मेहनत करते हैं कि ये पूरा का पूरा बिजनेस एज इट इज अपने जो उनकी बेटी है या बेटा जो भी है उनको जो है ये पास ऑन करते। तो यही पैशन हमारे अंदर भी होना चाहिए कि अगर हम इसी पैशन से ये बिजनेस करें कि भाई हमने अपने बाद ये बिजनेस ऑटोमेटिकली एज इट इज हमारे बच्चों को चला जाएगा, तो आप ये सोचिए कि हम कितनी मेहनत से करेंगे, कितना जज्बा हमारे अंदर आ जाएगा। तो मुझे इन दोनों लीडर्स की ये बात बहुत अच्छी लगती है। ओके जी, अब हमने पता कर लिया कि जी क्या क्या तरीके हैं हम ओरिफ्लेम से किस तरह पैसा कमा सकते हैं। अब किस तरीके से लोगों को इन्वाइट करना है, लोगों को इनवाइट करके बताना भी तो है कि चाहे ओएम के बारे में बताना हो चाहे प्रोडक्ट के बारे में बताना, इनविटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से हम लोगों को इनवाइट करते हैं। ये चीज मैटर नहीं करती कि हम उनको क्या बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, हमारा लहजा क्या है, हमारा तरीका क्या है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है और उसी तरीके से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। थ्री स्टेप्स है रिक्रूट करने के, सबसे पहले हमें लोगों को ढूंढना है, फिर उनको मीटिंग्स पे इनवाइट करना, फिर ऑब्वियसली हमने मीटिंग को रन करना। अब लोगों को ढूंढना कैसे, नेम बैंक कंपनी हमें नेम बैंक देती है कि जी हमने सबसे पहले नेम बैंक बनाना है। अब नेम बैंक बनाना मेरे हिसाब से एक कंसिस्टेंट काम है, ये एक दिन का काम नहीं है कि आपने एक दिन नेम बैंक बनाया और खत्म, नहीं, ये वीकली बेसिस पे संडे के संडे। मैं अपनी टीम्स को ये कहती हूँ कि आपने संडे के संडे अपनी जो नेम बैंक है उसको अपडेट करते रहना है। ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं कि आपने 100 लोगों का नाम डाला उसके बाद आप उसको अपडेट करना होगा, और जितना ज्यादा आपका नेम बैंक होगा उतना ज्यादा आपकी रिक्रूटमेंट होगी। कोशिश पहले हमारे यही होगी, कंपनी की भी यही हो जाए कि सबसे पहले जी हम वॉर्म कॉन्टैक्ट्स के ऊपर काम करें। वॉर्म कॉन्टैक्ट्स में हमारे जितना रिलेशन होते हैं वो रिलेशन जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो हमारी बात सुनते हैं, इग्नोर नहीं करते, हमें सबसे पहले उनको लेना, उनको हम वॉर्म कॉन्टैक्ट्स करते हैं। वॉर्म कॉन्टैक्ट्स में आपके ब्लड रिलेशन आ जाते हैं, आपके नेबर्स भी आ जाते हैं, आपके स्कूल
आपकी फ्रेंड, बहुत अच्छी सी, वो भी हो सकती, कोई भी हो सकता है जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता हो, तो आप सबसे पहले उनके नाम रखिए, उसके बाद जो है आप कॉल कॉन्टैक्ट के नाम, सबसे पहले जो डिजायर हमें कॉन्टैक्ट करना है अपने फोन कॉन्टैक्ट से करना है। तो इस तरीके से आपने अपना नेम बैंक बनाना है और इसको वीकली अपडेट करते रहना है रेफरेंस मार्केट, रेफरेंस की हम आगे भी बात करेंगे। अब जी कौन से वो मेथड्स हैं, प्रोस्पेक्टिव मेथड्स, ऑफलाइन की आज हम बात करेंगे कि कौन से वो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिव मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कोविड के जमाने में भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था, मैं बहुत ज्यादा पैशनेट थी, मतलब मुझे बस सोचा था कि मेरी सीधा टीम बन जाए और मैं हायर लेवल्स पर पहुंच जाऊँ। तो मैंने अलविदा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मैंने, मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कैटलॉग्स मेरे पास पड़ी थी, 20 कैटलॉग्स मैंने परचेज की थी, जैसे कि कंपनी कहती है कि आप 20 कैटलॉग्स में इन्वेस्ट करें। मैंने वो कैटलॉग्स पकड़ी, मैंने बैग में चीजें डाली, मेरे पास कुछ लिपस्टिक्स थी और कुछ एक दो सैंपल्स, मैंने वो बैग में डाले और मैंने मैं अलविदा पहुंच, आई डोंट नो मुझे क्या मेरे जहन में चला, वहां पे कुछ खवातीन, वहां कुछ दर्द चल रहा था। अब मैं अंदर से अब यकीन करें इतनी डरी हुई थी कि मैंने कहा मुझे आंटी से मतलब डांट पड़नी पड़नी कि यहाँ पे इस्लामी दर्द हो रहा है और आप यहाँ अपनी कौन सी मेकअप लेके आए। खैर मैं दुआएं मांगती दिन में, वो उनका जो सेशन था दर्द का वो खत्म हुआ, एक बहुत ही मौजूद खातून थी, उनका जी बेटा खत्म हो गया, अब आपने जो भी अपनी कंपनी के बारे में कहना आप कह सकते हो। बहुत बड़ी क्लास थी, वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थी, मैं वहाँ गई, शुरू शुरू में थोड़ा डर रही थी लेकिन जैसे जैसे मैं वो बोलती गई मेरा डर खत्म होता चला गया और मैंने कंपनी के बारे में बताया कि ये सुदेश है, ऑब्वियसली ज्यादा थोड़ा सा बताना था कि ये हजार प्रोडक्ट्स हैं जो कि हैं डेफिनेटली। तो काफी ज्यादा लोग मुझे सुनते रहे, मैं लिपस्टिक्स के बारे में मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, मेरे पास बैग में लिपस्टिक भी थी, मैंने भी लिपस्टिक भी दिखाई थी लेकिन इसमें कोई एनिमल फैट नहीं है, हम बड़े मजे से उसकी मेबेडियन की और लॉरिक की लिपस्टिक लगाते हैं जबकि उसमें एनिमल फैट्स होते हैं। तो अगर हमें ये चीज पता चल गई है कि इनमें होते हैं तो हमें ये लिपस्टिक नहीं यूज करनी चाहिए। तो वहां पे एक लड़की ने मुझे सवाल किया कि आप ये कैसे गारंटी कह सकते हैं कि जी इसमें एनिमल फैट्स हैं। तो मैंने उसको एक आर्गुमेंट का देखे, इनकी 65 कंट्रीज में ब्रांचेस है इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इनका मैं सऊदी अरब में 15 साल रही हूँ, मुझे पता है अरेबियंस का बहुत अच्छे तरीके से, वो इतना सा भी 0.0001% भी एनिमल फैट किसी चीज में वो उठा के फेंकते हैं, वो अपनी शेल्फ पे रखते ही नहीं। मैंने कहा आप गूगल पे जाएं, सऊदी अरब की आपकी वेबसाइट का लिंक भेजती हूँ, आप वहाँ जाएं, आपको यकीन हो जाएगा कि अगर सऊदी अरब में ऑलिफ्लेम है तो इसका मतलब ये कि 100% या हलाल प्रोडक्ट है, इसमें कोई एनिमल फैट नहीं। आप यकीन करें वो लड़की आज मेरी टीम में बहुत अच्छा काम कर रही है। वो नेक्स्ट डे उसने मुझे कॉल किया, ठीक है, मैंने और मेरा बहुत अच्छा पहला एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और नेक्स्ट डे उसी लड़की ने जिसने सवाल किया था उसने मुझे कॉल की कि मैं आपकी कुछ चीज़ें लेना चाहती हूँ, मैंने उसको ऑफिस बुलाया, मेंबरशिप हुए और वहाँ से उसी लड़की से मेरी जो है वो सारी टीम के रखी। तो ये एक ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग मेथड में आप लोगों के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि हम ऑफलाइन भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो एक बड़ा ही यूनिक तरीका है ऑटोमेटिक इनविटेशन। यहाँ भी मैं अपना थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मैं लास्ट वीक अपने पार्लर गई थी, मैंने टाई शर्ट लगाई थी, तो अभी मैं रिसेंटली ना इकोलॉजन का सीरम 2 हफ्ते से यूज कर रही थी, तो उसने मुझे ब्यूटिशियन ने मुझे देख के कहा कि आप क्या यूज कर रहे हो, आपका कंप्लेक्शन बहुत अच्छा हो गया। लगता मैं तो ये मेरा सीरम है तो यही यूज करती हूँ, तो यही यूज कर रही थी। आप यकीन करें उसने मुझे कहा कैटलॉग दिखाओ, मैंने कैटलॉग उसमें एक डी भी थी वहीं पड़ी थी, मैंने उसको खोल के दिखाई कि मैंने यूज करी, तो कह रही मेरे एज के हिसाब से सीरम बताओ, मैंने उसको अल्टीमेट लिप बता दी, उसने मुझे उसी वक्त अल्टीमेट लिप सीरम का ऑर्डर दे दिया। ये होता है ऑटोमेटिक इन्विटेशन जब आप एक अच्छा ड्रेसअप होकर कहीं जाते हो, जब आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा ग्लो कर रहा हो, आपकी प्रोडक्ट की वजह से आपका एक स्माइलिंग फेस हो, आप सोशल हो और आप दूसरों को सुनने वाले हो, अगर ये तमाम क्वालिटीज आपके अंदर मौजूद हैं तो आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कोविड के जमाने में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप नेबर्स में जाके एसओपीज को फॉलो करते हुए देखें,
जो बड़े बड़े पार्लर्स हैं एसओपीज को फॉलो करते हुए क्या वो बिजनेस नहीं कर रहे, क्या उनके बिजनेस का कोविड है, क्या वो ऑनलाइन तो नहीं ना मेकअप करते, ठीक है। तो तमाम जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो एसओपीज को फॉलो करते हैं और वो अभी भी अपने बिजनेस में सेम आप भी ये कर सकते हैं कि आप अपने नेबर्स में चार फवर्ती का गेट टुगेदर करें, उनके जो चेयर्स हैं वो डिस्टेंस पे रखें, एसओपीज को फॉलो करें, छोटा सा डेमो कर लें, बेशक अपने ऊपर ही कर लें अगर आपको ज्यादा मतलब उसका वायरस का पता है आप अपने ऊपर ही डेमो करके उनको दिखाएं। तो ये नहीं है कि हम ऑफलाइन कुछ भी नहीं कर सकते, हम ऑफलाइन बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके जी, अब हम इन्विटेशन के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से हम जो है अपना अगर हमने अपॉर्चुनिटी का जो है अगर किसी को इन्विटेशन देना हो तो किस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा डेमो करेंगे और मेरी हेल्प करेंगी मिस फिजा। मिस फिजा अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं और फिजा आपको बताएंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि आज का सेशन सिर्फ बिजनेस कैलकुलेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी होगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मजा आए कि किस तरीके से हम एक ओरिफेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए जब हम कॉल करते हैं तो वो कॉल किस तरीके की होनी चाहिए। जी फिजा जी जी, आर यू रेडी फॉर द डेमो? यस यस एब्सोल्युटली। फिजा आप मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और मैं आपको कॉल कर रही हूँ, ठीक हो गया? ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम फिजा, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगी। मैं आपके दो मिनट ले सकती हूँ? आर यू फ्री एट द मोमेंट? जी जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आप ले सकती हैं। जी जी बात करें। जी 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 बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, आप सुनाएं क्या हो रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल अल्लाह का शुक्र है। बस मैं और मेरी सिस्टर आपके बारे में रात को बात कर रहे थे तो मेरी सिस्टर मुझे बता रही थी कि फिजा माशाल्लाह इज वेरी सोशल और बहुत ज्यादा इंटरक्टिव है, शी इज अ वेरी गुड लिसनर ना। तो मैं ये सोची थी कि तमाम चीजें मेरे अंदर भी हैं, मीन वी आर समथिंग इन कॉमन, हम दोनों में बहुत ज्यादा कुछ कॉमन है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के यार फिजा भी इज अ वेरी गुड सोशल पर्सन। ठीक जा रही है, मैं तो आपको पता है बहुत सोशल हूँ, मैं फ्रेंड्स बनाती हूँ और मिलती हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कोविड के जमाने में हमारा सोशल होना, जाहिर है ऑनलाइन सोशल होना पड़ता है, तो होना चाहिए, से हमारा एंजाइटी और डिप्रेशन भी कम होता है। अच्छा इसी सिलसिले में मैंने आपसे एक बात करी थी, मैं एक बहुत जबरदस्त बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ और मुझे जब मैं काम कर रही थी तो मुझे आपका ध्यान आया था कि बहन मुझे बताई थी कि फिजा इज वेरी सोशल, शी इज अ वेरी गुड लिसनर और आप पब्लिक डीलिंग में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो मैं ये चाहती थी कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर मेरे साथ 120 मिनट्स की मीटिंग कर लें तो क्या आप थोड़ा सा नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे या मंडे को बिटवीन 3 to 4 आप टाइम निकाल सकते हैं इस चीज के लिए? फ्राइडे को तो मैं बिजी हूँ, चले मंडे को मैं जरूर आपके लिए टाइम निकालती हूँ। जी बिल्कुल, ओके जी। ये तो थी मेरी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कॉल की जिसमें मैंने फिजा को कॉल किया, मेरी मेरे जो टोन थी वो बड़ी एंथुजियास्टिक थी, तो फिजा बड़ी खुशी हुई थी कि ये मुझसे बात करके कितनी खुशी हो रही थी। मैंने फिजा को कॉम्प्लीमेंट किया कि वो कितनी ज्यादा सोशल है, मैंने उसको पॉजिटिव उसकी अपनी जो भी उनकी हैबिट थी उनको बताई और उसके बाद मैंने उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑफर की और दो मैंने उनको ऑप्शंस बताए, आदर मंडे और फ्राइडे। इसी तरीके से आपने अगर आपने किसी को भी, जरूरी नहीं है कि आप किसी को जानते हो, अगर आप किसी को नहीं भी जानते तब भी आप बातों ही बातों में उनसे कोई ऐसी बात निकलवा सकते हैं कि जिससे आपको पता हो कि यहाँ पे ये सब पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, आप उसी बात उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरीके से अगर मैंने किसी को ब्यूटी सेशन पे बुलाना हो या मैंने स्किन केयर सेशन पे बुलाना तो मैं उसको किस तरह बुलाऊँ? ठीक है फिजा, मैं आपको दोबारा तकलीफ दूंगी, बस 2 मिनट के लिए आप आइएगा। अब हम ब्यूटी सेशन के परस्पेक्टिव से कॉल करेंगे, ठीक है? जी जी चलिए। अच्छा अब आप मेरी जो है वो नेबर है,
ठीक है, ठीक है, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम फिजा, क्या हाल चाल है आपके, आपके घर सब खैर? जी वाह, जी जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? ठीक हूँ, आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा फिजा, मैं एक ब्यूटी सेशन रख रही थी अपने घर पे, और मुझे याद है कि मेरी लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी आपने मुझे कहा था कि यार मुझे सलोन जैसा ग्लोई लुक चाहिए और कोविड की वजह से मैं सलोन नहीं जा सकती। तो मैं ये सोची थी कि क्योंकि मैं ब्यूटी सेशन एक अरेंज कर ही रही थी, इसमें सिर्फ 4 से 5 लोगों, इससे ज्यादा मैं नहीं बुला रही, और हम SOPs का सारा ध्यान रखेंगे। तो व्हाई डोंट यू जॉइन अस, मैं आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बताऊंगी कि जिसमें आपको सैलून जैसा ग्लो मिलेगा, जिसमें आपको सैलून नहीं जाना पड़ेगा। मेरे पास जो मैं पर्सनली प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मैं उसी से डेमो दूंगी, और आप यकीन करें एक ऐसी प्रोडक्ट है मेरे पास जो जिसने मेरा कॉम्प्लेक्शन बेहतर कर दिया, जिसने मेरे पोर्स मिनिमाइज कर दिए, और बहुत जबरदस्त एक फेस वॉश भी मेरे पास ऐसा है जिसे अगर आप रेगुलर यूज करेंगे तो आपके व्हाइट हेड ब्लैक हेड भी नहीं निकलेंगे, और आपका फेस जो है इस गर्मियों में भी सब गर्मियों में आपको बहुत नीचे चेंज रहेगा। तो बहुत सारी डिस्कशन होगी और चिट चैट भी होगी, तो व्हाई डोंट यू जॉइन अस कमिंग फ्राइडे, क्या ख्याल है? अच्छा, आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, आई वुड लव टू सी देम, और अगर मुझे तो आपको मैंने बताया ही था कि आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, और देखूंगी भी मैं प्रोडक्ट्स आपके पास हैं तो। जी जी मैं बिल्कुल अक्सर ये वहम आपके साथ होता है, मेरा पता नहीं कनेक्शन का क्या इशू हो जाता है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी स्क्रीन नजर आ रही है, आप स्लाइड आगे कर दीजिए। अपने इनविटेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर इन द चैट बॉक्स, हमने इस सेशन को इंटरैक्टिव बना। ओके जी, जैसे कि अभी आपने मेरा फिजा का रोल प्ले देखा, और आप ये किसी के साथ भी कर सकते हैं, आप अपने नेबर के साथ कर सकते हैं, आप अपनी बहुत ही पुरानी फ्रेंड जो आपको याद है उसके साथ भी कर सकते हैं, स्कूल फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं, बहन की दोस्त जो 35 ईयर्स को, आप किसी के साथ भी ये कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने कॉल कर ली, अब आपने इनविटेशन डिजाइन कर लिया, अब डिजाइन किस चीज पे करना है? आजकल कैनवा का जमाना है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ओरिफ्लेम फैमिली है सबको कैनवा ओरिफ्लेम ने इस्तेमाल करना सिखा दिया है कि किस तरीके से आप कैनवा पे जाके प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। तो अगर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं तो आप एक बहुत ही जबरदस्त इन्विटेशन भी डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपने OM डिजाइन करनी है तो आपने उस लिहाज से अपना इन्विटेशन डिजाइन करना है जिसमें आप सारे मतलब घर बैठे जो आप अर्न कर सकते हैं कोविड के जमाने में, या जिस तरीके से भी आपने वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स लिखना है आपने बहुत अच्छा सा इन्विटेशन। अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर देना है तो आप उसके ऊपर इन्विटेशन के ऊपर लिखें कि 50 ईयर्स ऑफ स्किन केयर एक्सपीरियंस। देखिए कंपनी की हिस्ट्री ना भूलें, कंपनी की हिस्ट्री अगर आप बताएंगे, कंपनी का विजन बताएंगे, आपका आधा काम आसान हो जाएगा, आपको सामने वाले बंदे पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं। कंपनी का विजन हमेशा याद रखें, कंपनी की जो प्रोडक्ट है स्किन हिस्ट्री वो हमेशा याद रखें। आप इन्विटेशन पे यही लिख देना कि 50 ईयर्स ऑफ स्किन केयर एक्सपीरियंस, तो आप मुझे बताएंगे वो बंदा क्यों नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि वो अपनी बहुत सारी दूसरी खवातीन यानी कि फ्रेंड्स को भी ले। तो इन्विटेशन आपका बहुत अच्छा डिजाइन हुआ, आपने कॉल कर ली, आपने इन्विटेशन भेज दिया। इसके अलावा अब यहाँ पे अगर हम रेफरेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे कि आपने कॉल की थी, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अब जैसे मेरी फिजा से बात हुई तो मैं फिजा से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हो सके खास होकर स्किन केयर सेशन में अपनी उन तमाम फ्रेंड्स को, ज्यादा नहीं 1 से 2 SOPs के साथ आप लेके आए, और जिनको स्किन केयर इश्यूज हैं, क्योंकि मिस माहम जो है फ्री स्किन केयर कंसल्टेशन भी देंगी आपको, आपको फ्री कैटलॉग भी देंगी। तो ये रेफरेंसेस आप इस तरह भी अपने स्किन केयर सेशन को कह सकते हैं कि भी आप आगे से जो है अपने रेफरेंस लेके आ सकते हैं। आगे चल के हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात कहेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी जाहिर है हमारे डेली बेसिस के ऊपर जब हमें कस्टमर डीलिंग करनी होती है तो हमें डेली बेसिस के ऊपर ये मसला आ रहा है,
और सबसे ज्यादा दो चीजें आ रही होती हैं बहुत सारी लीडर्स हैं जैसे बात की सबसे पहले जो प्रोडक्ट महंगी बहुत दूसरा सवाल जी मेरे पास टाइम तो जी जो अब ये मेरे सीनियर्स ने मुझे ये सिखा रहे कि जो ये कहता ना कि जी प्रोडक्ट महंगी बहुत है तो आप उनसे ये कहें कि देखिए हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोडक्ट महंगी है लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को लोकल प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो ये ऑब्वियसली आपको महंगी लगेगी लेकिन अगर आप इसका इम्पोर्टेड दूसरे ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो ये आपको महंगी नहीं लगेगी फिर आप उसका थोड़ा सा कंपेरिजन कर रहे बेशक दूसरी इम्पोर्टेड ब्रांड्स है आप उसका और अपनी प्रोडक्ट का प्राइस कंपेरिजन करते हैं तो जब वो दूसरी इम्पोर्टेड ब्रांड पर और इसमें इनका प्राइस कंपेयर और इसमें किसी भी तरीके से जो है वो महंगी नहीं है तो उसको उसका जवाब खुद ही मिल जाएगा ठीक है और अगर वो बात करें कि जब मेरे पास टाइम नहीं है तो इसका तो सबसे अच्छा जवाब मैं दे सकती हूँ क्योंकि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी तो मेरे लिए और एक ब्रांड अगर तो उसका प्लस पॉइंट मुझे लगता है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी तो मैं उसको अपनी सारी ट्रीट डाल दूँगी आप बिल्कुल ठीक कह रही हूँ लेकिन यार मैं सुबह से लेकर इतने बजे तक मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ इतने बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ हार्डली मैंने 2 to 3 hours जो है अगर मैं बहुत ज़्यादा भी मसरूफ हूँ तो मैं बड़े आराम से 2 घंटे और इतने को दे सकती हूँ मैं सारी उसको अपनी रूटीन शेयर कर दूँगी उस वक्त हो सकता है यस ना करें लेकिन वो सोचेगी जरूर कि यार अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का यही तरीका है कि पहले आप दूसरे बंदे की ज़ाहिर आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है यू हैव टू बी अ गुड लिसनर मैं यही कह रही हूँ आप कोई बड़े से बड़ा बिजनेस हो दुनिया का यू हैव टू बी अ गुड लिसनर आपको लोगों को सुनने की आदत होनी चाहिए हमारे यहाँ पाकिस्तानियों का 80% मसला ये हम सुनते नहीं हम अपनी बोलते हैं ऐसे नहीं करना सबसे पहले आपको एक गुड लिसनर होना है आप लोगों को सुने ठीक कह रहे हो लेकिन ये चीज इस तरह नहीं इस तरह है तो आप बड़े हर मुश्किल से मुश्किल ऑब्जेक्शन को भी आप हैंडल कर सकते हैं ओके जी आगे हम देखते हैं कि जी की मीटिंग्स हमने कितने टाइप्स की मीटिंग है और किस तरीके से मीटिंग्स को रखें 1-to-1 है ये मेरी सबसे फेवरेट मीटिंग है क्योंकि इसमें ये है कि जैसे आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बंदे को अगर हम फोकस करें तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस फील करते हैं और रिसेंटली अभी मैंने पिछले महीने अपने डायरेक्टर के साथ आप अपने डायरेक्टर के साथ भी कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं ठीक है आपको दोनों जो है इसको ट्राई करना चाहिए क्योंकि जाहिर है आगे चलते आप भी अपनी टीम को लीड करना यू आर द लीडर ऑफ योर टीम ठीक है तो 1-to-1 OM सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव रहती है आप स्मॉल ग्रुप्स में भी कर सकते हैं जैसे कि मैं सुनहरा का दौरान की मतलब ये ग्रुप भी है ना इसमें हम ये ऑलमोस्ट ये OM होती रहती है तो ग्रुप्स में भी आप कर सकते हैं लेकिन मोस्ट इफेक्टिव अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट जो है बिजनेस वाला है और ये आगे आपको बहुत कुछ आगे रेफरेंस दे सकता है तो फिर आप उससे 1-to-1 मीटिंग रखें ठीक ओके जी 20 मिनट्स की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए 1-to-1 इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए बड़े से बड़े बिजनेसमैन कहते हैं कि आपने हल्की सी झलक दिखानी है पूरी पिक्चर नहीं दिखा देनी उसके बाद आप नेक्स्ट वीक जो है बेशक अपने पहले आपने खुद बात की आपने हल्का सा ट्रेलर दिखाया उसके बाद बेशक थोड़े दिनों बाद आप अपने डायरेक्टर के साथ 1-to-1 मीटिंग कर लें तो वो फिर आपको एक अच्छा मतलब एक आपके प्रोस्पेक्ट को लगता है कि हाँ स्टेप बाय स्टेप ये एक अच्छे लेवल पे ये हमारा जो भी प्रोजेक्ट है ये जा रहा है अभी मुझे अपनी डायरेक्टर से मिल जाएगी वो मुझे बिजनेस डिटेल्स बताएगी तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है ठीक है 20 मिनट से 30 मिनट से ज्यादा आपने इसको प्रेजेंटेशन को नहीं लेना आप उनसे आपने जरूर पूछना कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है सबसे पहले आप उनसे क्वेश्चन करते हैं उसके बाद जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है हम वैसा वैसा होंगे मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लाइन जी जैसे कि मैंने कहा कि आप स्मॉल ग्रुप्स में भी ओएम दे सकते हैं कि जैसे हम मनीष मेहरा का नाम के प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों के साथ 10-15 लोगों के साथ हम ओएम देते हैं इसी तरीके से हम अपनी टीम्स में भी दे सकते हैं कि जैसे आपने 1-to-1 OM एक बंदे के साथ कर उसे आप उसे रिक्रूट करके आप ये कह सकते हैं कि आप अगले हफ्ते 4 से 5 अपनी खवातीन लेके आए तो मैं आपकी छोटी आपके छोटा सा जो भी आपकी मतलब प्रोस्पेक्ट होंगे उनके साथ में एक ओएम कर लूँगी तो एक बंदा जो आपके साथ काम करना चाहते हैं उसके साथ आप एक स्मॉल ग्रुप OM कर सकते हैं जो 5 से 6 आपको प्रोस्पेक्ट्स ला के दे रहा हो तो ये फिर एक सीक्वेंस लगता है कि आप एक आपका जो बिजनेस प्रोजेक्ट है बिजनेस टास्क है एक सीक्वेंस में जा रहा है जो नया बंदा उसको लगता है कि हाँ वाकई में ये कोई ऐसी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें ये बताने जा रहे हैं स्किन केयर सेशन जब हम करते हैं स्किन केयर सेशन का बहुत एक्सपीरियंस है मेरा कामरान के साथ हम लोगों ने बहुत सारे स्किन केयर सेशन जब कोविड नहीं था किए थे
और मैं आपको बताऊँ कि मेरी जितनी रिक्रूटमेंट स्किन केयर सेशन से हुई है इतनी किसी चीज से भी नहीं हुई। मैंने खुद भी जब कोविड में आया था तो बहुत सी जगहों पे जाकर कुछ स्किन केयर सेशन जो थे वो कंडक्ट किए थे, वो बहुत अच्छे गए थे। हमने डेमो दिया था और मतलब आपके आराम से, जब आप स्किन केयर सेशन आपके आराम से 4 से 5 मेंबर्स अच्छे यूजर्स बड़े आराम से बना, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्किन केयर इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप करते हैं तो आपकी बहुत जबरदस्त रिक्रूटमेंट होती है स्किन केयर सेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको नेबर्स की बात बताई थी, अब आपने किस तरीके से करना है, आपने 3 से 4 खवातीन को नहीं बुलाना, आपने SOPs को फॉलो करना है। आप एक टेबल सेट करेंगे, उसके ऊपर आप जो ऑयल फ्लेम का मेरे हमारा फ्लिप चार्ट आता था आप उसको रख दें, कुछ प्रोडक्ट्स आप प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पे रख दें, जिस स्किन केयर सेट से आपने डेमो करना है आप वहाँ उसको रख दें, और प्रॉपर सारे जितने भी फेशियल हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं आप उसको रख दें और SOPs को फॉलो करें, तो मेरा ख्याल से हम अभी भी स्किन केयर डेमोज अपने नेबर्स में या अपने जानने वालों में अपने बॉम कॉन्टैक्ट्स में हम बड़े आराम से दे सकते हैं और वहाँ से हमारी बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट जो है वो हो सकती है। जी Moving forward to the next slide. Okay, जी, हमने recruit कर लिया, हमने member बना लिया, अब हमारी क्या responsibility है as a sponsor? हमने नया member बना लिया, चाहे वो business करना चाहता है या चाहे वो future user है, हमारी responsibility क्या बनती है as a sponsor? जैसे parents होते हैं उनकी भी responsibility बनती है बच्चों के ऊपर, बच्चे खाली पैदा नहीं करने होते, सारे पालने इसी तरीके से एक स्पॉन्सर की हमारी जब हम कोई मेंबर बनाते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने उनको साथ साथ कुछ चीजों के ऊपर लेके चलना होता है, हमने उनको मोटिवेट करना होता है। स्टार्टिंग में मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको बताऊं बिगिनर्स की मोटिवेशनल जो एनर्जी होती है ना अमेजिंग होती है। मुझे अपनी कभी कभी मोटिवेशन बहुत ज्यादा याद आती है कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ, तो जो न्यू ज्वाइनर्स होते हैं उनकी मोटिवेशन को डाउन ना होने दें, ठीक है? किस तरीके से आप डाउन नहीं होने देंगे हम आगे चल के आपको बताते हैं। ये 3 आपने जो स्टेप्स हैं, शो, इनवाइट, अटेंड, आपने उनको जरूर सिखाने, शो आपने करनी है, कैटलॉग इनवाइट करना है आपको ट्रेनिंग्स के ऊपर, ठीक है? आप उनको बताएंगे हाँ किस तरीके से पहला ऑर्डर प्लेस करना है। देखिए अगर आप पहले ही दिन, मैंने कुछ मेरे जितने भी डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं मैं उनको व्हाट्सएप पे कॉल लेती हूँ, मैं कहती हूँ स्टेप बाय स्टेप मेरे सामने करो, अभी कहीं के जो थोड़ा टाइम लगा, टाइम लगता है, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं मेरा ऑर्डर प्लेस करती हूँ, वो खुद करते हैं। कोशिश करें कि आप अपने मेंबर्स को पहला ऑर्डर उनसे कहें, खुद उनको व्हाट्सएप पे आप स्पीकर ऑन करें और स्टेप बाय स्टेप आप उनको बताएं, तो ये आपके लिए भी आसान है, अगर उसने इनकेस अगर अपनी टीम डेवलप करनी होगी तो उसके लिए भी ये काम हो सकता है, ठीक है? ऑर्डर पहला उससे ऑर्गेनाइज कराएं, उसको थोड़ी सी प्रोडक्ट नॉलेज दें, उसने ऑर्डर अपने पहला ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर प्लेस किस तरह करना है वो आपने बता दिया, उसके बाद आपने उसको नेम बैंक जो है वो फिल करानी है। कोशिश करें कि उसी वक्त ऑन कॉल 10 से 15 नाम आप उससे लिखवाएं, अगर आप उस वक्त नहीं लिखवाएंगे वो सारी जिंदगी नहीं लिखेगा, और ये भी साथ उसको कहना है कि उसको वीकली अपडेट करते रहे, उसमें से 5 वॉर्म कॉन्टैक्ट्स निकाल के, ठीक है, और 3 लोगों को रोज डेली बेसिस पे बात करनी है, ये सारी चीजें आपको उसको सिखानी है। अब पहले जो हमारा नया मेंबर होता है उसके लिए कंपनी ने हमारी स्पेशली 3 कॉन्टैक्ट सिस्टम डिजाइन किया है कि किस तरीके से हम इस 3 कॉन्टैक्ट सिस्टम के थ्रू अपने नए मेंबर से इन टच रह सकते हैं, ठीक है? मैं स्लाइड पे कीजिएगा। इस तरीके से हम पहला कॉन्टैक्ट जो हमें, जैसे हमने नया मेंबर बनाया तो उसके बाद हमें उसके मेंबर बनाने के बाद हमें उसे पहला कॉन्टैक्ट कब करना है, हमें उसे पहला कॉन्टैक्ट करना है गेटिंग स्टार्टेड के 48 आवर्स बाद हमें उसे फॉरन कॉन्टैक्ट करना है, उसको स्टेप 1 के ऊपर इन्वाइट करना है, उसको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम उससे पूछना है कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ चाहिए, वेलकम ऑफर्स अवेल करने के बारे में बताना है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको गाइड करने के, अगर आप 50 पॉइंट्स लेंगे तो आपको ये वेलकम ऑफर मिलेगी, 100 करोगे तो ये मिलेगी, वो नया बंदा है उसे कुछ नहीं पता, ठीक है? गेटिंग स्टार्टेड के 48 आवर्स आपने उसको कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद आपने उसको कॉन्टैक्ट करना है इन द मिडल ऑफ द मंथ 15-16 तारीख को, आपने उसको कॉन्टैक्ट करना है, अगेन आपने उससे पूछना है वेलकम ऑफर्स आपने अवेल करनी है, कोई प्रॉब्लम है, स्टेप 2 पे आपने उसको इन्वाइट करना है, और आखिरी कॉन्टैक्ट जो आपने महीने में उसको करना होता है दैट इज मतलब महीना खत्म होने से 3 या 4 दिन पहले आप उसको कॉन्टैक्ट करेंगे, और अगले महीने अगर न्यू कैटलॉग लॉन्च होगी जैसे कि जुलाई में होगी 1 जुलाई को, तो जून खत्म होने से 3-4 दिन पहले आपने अपने तमाम न्यू ज्वाइनर्स को कॉल करना है, स्पेशली उनको कहना है कि जी न्यू कैटलॉग लॉन्च में आपने जरूर आना है, क्या आपके 100 पॉइंट्स वाला वेलकम ऑफर आपने जून का अवेल कर लिया या नहीं कर लिया, कोई गाइडेंस चाहिए, तो ये बहुत अच्छा 3 कॉन्टैक्ट सिस्टम है, और जो लोग इसके ऊपर
इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उनके जो मतलब ज्वाइनर्स हैं वो ज्यादा अरसे तक उनके पास रहते हैं, वो बास्पा कोर टीम में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप थ्री कॉन्टैक्ट सिस्टम पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो ही जिनके आपने इम्प्लीमेंटेशन की होगी वो आपकी कोर टीम में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और यही हम अगली स्लाइड में देखेंगे तो किस तरीके से जो है आप अपनी कोर टीम को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आपको ये लगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये थ्री कॉन्टैक्ट सिस्टम किया, जिस जिसने आपके 100 पॉइंट्स वाला वेलकम ऑफर अवेल कर लिया और उसने एक या दो रिक्रूटमेंट्स कर ली, समझ लें कि वो आपकी कोर टीम का बंदा है, आपने उसको कॉल की, आपने उसको अप्रिशिएट की कि यार बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे पहुंचते हैं, फिर आपने उसको अपनी किसी डायरेक्टर की ट्रेनिंग में जो है इन्वाइट कर दिया। कोई भी ट्रेनिंग डायरेक्टर हो सकती है, मतलब स्किन केयर हो सकती है, वो बिजनेस हो सकता है, उसमें आपको इन्वाइट कर दी, वो थोड़ा सा इंकरेजमेंट फील करेगा कि यार मैं डायरेक्टर्स की मीटिंग में गया हूँ तो बड़ा आपको कमाल चीज लग रही है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ना अपने आप को इम्पोर्टेंस फील करेगा कि मैं बहुत मतलब एक डायरेक्टर की मीटिंग में जा रहा हूँ, तो उसको साथ 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 फिर आपने उसको गाइड करना है कि किस तरीके से वो अपनी टीम डेवलप कर सके, ठीक है। तो कोर टीम अपनी डेवलप करेंगे आगे आपको आपकी बिजनेस ग्रोथ में हेल्प आउट करता है। सक्सेसफुल लीडर्स का एक कुछ ऐसे मतलब मैं कभी कभी हैरान होती हूँ कि हमारी जो ऑफिशियल स्लाइड्स हैं उसमें कुछ ऐसी बातें जो बाकी जो है अगर हम करें तो हमें बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है। इसमें से एक है कि आप 20 कैटलॉग्स में इन्वेस्ट करो। मैं हर महीने 20 कैटलॉग्स में इन्वेस्ट करती हूँ हर महीने, और मेरी ये है कि मैं नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, मैं अपने घर जाती हूँ मैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ जहाँ तक जाना होता है पॉवर्टी में मैं वहाँ जाकर कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट, जैसे अभी मैं अपनी ब्यूटिशियन के गई थी मैं 2 कैटलॉग्स में लॉन्च हो गई। तो कोशिश करें कि आप अपनी 20 ये मत सोचें कि यार ये ज़ाया हो जाएगी, महीना तो खत्म होने वाला है, मेरे मुझसे तो कोई लेता ही नहीं है, ऐसे मत सोचें। 720 रुपये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में आप ये सोचें कि मेरी कैटलॉग ज़ाया हो जाएगी, आपके इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। आपने 20 कैटलॉग फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उसमें से एटलीस्ट आपके 5 या 6 साथ लोग आपको इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है उसमें से एक या दो आपके रिक्रूट करें, हो सकता है कि वो एक या दो रिक्रूट ही आपका बहुत अच्छा एक बिजनेस पार्टनर बन जाए और आपका ग्रोथ का लेवल जो है कहाँ से कहाँ ले जाए। तो ये एक बहुत बड़े लीडर्स की सक्सेसफुल लीडर्स की एडवाइस समझ लें, एक टिप समझ लें कि आपने 20 कैटलॉग्स में इन्वेस्ट करना है, आपने रोज आना 3 लोगों से बात करनी है, और अगर कोई आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करता आइदर द प्रोडक्ट और द बिजनेस, तो आपको उससे रेफरेंस मानना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने तो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, काइंडली आप मुझे कुछ अपने फ्रेंडली कॉन्टैक्ट्स दे दो जिनको कॉल करके मैं आपका रेफरेंस दे के बात कर सकूँ, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी सक्सेसफुल लीडर्स की जो कंपनी ने शेयर की, और ये बाकी बहुत यूजफुल टिप्स हैं जो आप अभी भी अगर आप लोग अप्लाई करें तो हमें बहुत मतलब उसके रिजल्ट जो है ना अच्छे मिलते हैं। इसी तरीके से आप मीटिंग्स में जैसे हम आजकल इनवाइट करते हैं डिफरेंट मीटिंग्स में, चाहे बिजनेस की मीटिंग हो चाहे स्किन केयर सेशंस में मीटिंग में इनवाइट करते रहें तो ये भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। और जैसे कंपनी का विजन है मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, फुलफिल योर ड्रीम्स टुडे, और ये कंपनी है ही ड्रीम करने के लिए, ड्रीम करें और अपनी जो कोर टीम है या आपके जानने वाले उनका ड्रीम पूछें। आप अगर ये एक ही सवाल करेंगे ना अपने जानने वालों से, यहीं से आपको आहिस्ता 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 सारे रास्ते आपके आसान होते चले जाएंगे। तो कंपनी का विजन जरूर याद रखें और अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू सो वेरी मच। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, लेट मी चेक द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच महाम, बहुत मुझे पता है ये लंबी प्रेजेंटेशन थी और ये थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज हम आज तक प्रोडक्ट पे बात करते रहे हैं, हम और चीज़ों पे बात जरूर करते रहे हैं, मगर जिस किस तरीके से एक रिदम ऐसे कहती हूँ कि आपने हर चीज़ एक्सप्लेन की, मेंबर बनते हैं आपको बेसिकली 20% ऑफ मिलता है, 20% क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर मैं समराइज करूँ वो पॉइंट्स जो हैं वो किस तरीके से आप पर्सनल पॉइंट्स पर क्या क्या हासिल करते हैं, फिर उसके बाद वो कैसे बीवी में कन्वर्ट होता है, फिर ग्रुप पॉइंट्स करने के क्या फ़ायदे हैं, फिर परसेंटेजेस किस तरह से आपको फ़ायदा देती हैं, डिफरेंस कैसे निकाला जाता है,
उसके बाद हमने बिजनेस क्लास पे बात की, हमने एंटरप्रेन्योर बोनस पे बात की, हमने स्पीड बोनस पे बात की, मैनेजर्स पे बात की, आप कैसे इस टेन्योर के अंदर मैनेजर सेमिनार को कंप्लीट करके बहुत से फायदे ले सकते हैं और बहुत कुछ। फिर ये तमाम तो हमने फायदे बता दिए, उसके बाद हमने उसके बाद नेम लिस्ट बनाकर अपना गोल सेट किया, किस किस तरीके से उन लोगों को मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस में इनवाइट कर सकते हैं, जिसमें ओएम हो सकती है, स्किन केयर सेशंस हो सकते हैं, और उसके बाद हम कैसे उनसे फर्स्ट गुफ्तगू का आगाज कर सकते हैं, वो भी आपने बात की सूरत में, डेमो की सूरत में बताया कि किस तरीके से हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और किस तरीके से उनको इन्वाइट करने के बाद जब वो आपके साथ मेम्बर बन जाते हैं उनको किस किस तरीके से फॉलो अप किया जाता है और किस तरह से वो आपके काम आते हैं और वो क्या टिप्स हैं जिन्हें हम शेयर करके ग्रो कर सकते हैं, जिस तरह कैटलॉग लें और किस तरह इनवाइट करें। वेरी वेरी वेलकम, बहुत डिटेल्ड क्लास थी जिसके अंदर ऑब्वियसली एक क्लास से बहुत कुछ समझ नहीं आता, मगर एक क्लास से बहुत कुछ समझ में भी आता है कि कंपनी क्या क्या हमें फायदे दे रही है और किस तरह नेटवर्क बिल्डिंग पर हम हर तरह का फायदा ले सकते हैं। आई नो इस ये हमारी ऑफिशियल के अंदर भी आपने बहुत से चेंजेस किए और उसको बड़ी मेहनत से तैयार किया और बहुत मेहनत से डिलीवर किया और बहुत टाइम भी कंज्यूम हुआ। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी, फॉर एवरीथिंग। और अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। रिगार्डिंग दैट बिजनेस कैलकुलेशन स्लाइड, अगर किसी का कुछ सवाल है जुनैरा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, किसी का भी कोई क्वेश्चन है। कैलकुलेशन का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा पहले दफा में समझ नहीं आता, अगर कोई न्यू ज्वाइनर्स है यहाँ पे तो मैम वगैरह भी यहाँ मौजूद है, आप उसे भी सवाल कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है कैलकुलेशन की स्लाइड। आज ये ट्रेनिंग दोबारा होने से आज माहम ने ये भी हमें बताया कि हम जो हाथ पे हाथ धरे घरों में ही बैठे हुए हैं तो स्टिल हम ये जैसे चार लोगों का, पांच लोगों का हम भी कर सकते हैं, अभी भी सेशन एक बुला के अपने घरों में भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं तो बिल्कुल वो चीज अपने माइंड से निकाल के बैठी हुई थी कि जी अभी तो बिल्कुल कोविड के हम क्योंकि आज नहीं रहे कहीं, तो दिमाग में भी यही चल रहा है कि मैं पिज़्ज़ा चाय पे आ रही हूँ, तैयार रखें। बस ठीक है, तैयार है। अच्छा मैं आप लोगों से एक गुजारिश करती हूँ। नहीं बिल्कुल, आज दोबारा से एक माइंड खुला है कि हमें वी शुड स्टार्ट दैट अगेन, एसओपीज वगैरह सारे फॉलो करके। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, देखें लाइफ कभी भी खत्म नहीं होगी, ये तो कभी भी नहीं होगा ना कि हम जिंदगी छोड़ देंगे, ये रहेगा। और बाकी सारे सलून्स खुले हुए हैं, डॉक्टर्स खुले हुए हैं, पार्लर्स खुले हुए हैं, स्पास खुले हुए हैं, हर चीज खुली हुई है, सिर्फ आपने एहतियात करके वहां पर जाना है और आप एहतियात करके बहुत से लोगों से मिल रहे हैं और बहुत से लोग तो एहतियात के बगैर भी मिल रहे हैं। आप देखिए शादी ब्याह में सब चीजें चल रही हैं, तो अपने बिजनेस को भी फ्लरिश करें, सिर्फ बिजनेस के लिए स्टॉप मत लगाएं। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से कहूं जो मैं नोटिस भी कर रही हूं बहुत ज्यादा कि आप लोग बहुत सी ट्रेनिंग्स ले और दे रहे हैं, बहुत सी। देखिए नॉलेज जो है ना वो एक ऐसी चीज का नाम है कि आप आज बैठे नॉलेज इकट्ठी करने सोशल मीडिया के थ्रू, वो कभी आप खत्म हो जाएंगे, उस टॉपिक पर नॉलेज खत्म नहीं होगी। इतने लोग हैं, इतने व्यूज हैं, इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है कि आप खत्म हो जाएंगे एक्सप्लोर करने करने वाले, मगर वो नॉलेज नहीं खत्म होगी, समुन्दर के समुन्दर है। मगर देखिए कितनी नॉलेज आप ले सकते हैं किसी चीज पर, किस हद तक ले सकते हैं, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं आप लोग करेंगे वो नॉलेज आपके मेरे लिए बेकार है। हम हर सेशन के एंड में या हर सेशन में या हर मीटअप में कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो कुछ सीख रहे हैं एक कदम, जब आपका दिल आपको कहता है ना अच्छा मैं फिर कर लूंगी, उस वो वक्त होता है, उस वक्त उठ जाए, उस वक्त ठान ले शैतान समझे करवा रहा है, उठें और उस काम को कर लें, उठें और उस काम को कर लें, डिले मत करें, आप वक्त को जाया करें। वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जो गया वापस नहीं आएगा। एवरी कमिंग डे आप मैनेजर सेमिनार को लूज कर रहे हैं, एवरी कमिंग डे आप दुबई के ट्रिप को लूज कर रहे हैं, एवरी कमिंग डे आप अपनी गोल्ड कॉन्फ्रेंस को, कैश अवार्ड्स को, इन तमाम चीजों को लूज कर रहे हैं। जो लोग हासिल कर रहे हैं, जो लोगों ने लेनी है वो कर ही रहे हैं काम, जो मर्जी हालात हों वो कर रहे हैं काम। सो स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें उस नॉलेज की जो आप बारहा ले रहे हैं। हमने बहुत सी ट्रेनिंग्स दी हैं अपने नेटवर्क के अंदर, आप लोगों ने
बहुत सी ट्रेनिंग्स ली हैं, अब तो आप पावर लैग के करीब भी पहुंच गए हैं, हर चीज आप लोगों ने, मैं यकीन से बात कह रही हूँ, मैं एक टाइम पे आप लोगों को कहा करती थी पावर लैग अभी कर लो फिर ये कॉमन हो जाएगा, जब ये लोगों तक आ जाएगा कॉमन हो जाएगा तो फिर उस तरह से काम करना मुश्किल हो जाएगा। याद है आप लोगों को, अभी ये आइडिया नया है, इस पर स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि प्लीज बहुत सी ट्रेनिंग्स हम ले दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एज वेल। चाहे ऑनलाइन काम करें, चाहे ऑफलाइन काम करें, चाहे आप गोल्ड क्लब को सुनकर काम करें, विकास को सुनकर काम करें, लीडर को सुनकर काम करें, किसी को भी करें जरूर, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर होता तो आप लोग पूछ चुके होते, अगर पूछना है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। कोई सवाल, कोई ऐसी उलझन, कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो इस सेशन को हम एंड करते हैं इसको, इंशाल्लाह ताला हम जो है कल एक नए सेशन के साथ हाजिर होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।